हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे खनिज, और खनिज में पढ़ेंगे कॉपर के बारे में। इसके पहले बहुत सारा खनिज आपको बता दिया गया है, जैसे कि आयोडीन, जिंक, ठीक है, और आयरन, ये सब आपको बता दिया गया। उसको आप जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। और बायोलॉजी का बहुत सारा पार्ट्स ख़त्म कर दिया गया है, बहुत सारा टॉपिक्स आपको बता दिया गया है, और सारा ही इम्पॉर्टेंट है रेलवे NTPC एग्ज़ाम के लिए। तो उसको आप जरूर से जरूर देख लीजिए। अगर आप उसको देख लेते हैं तो उससे बहुत सारा क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और बहुत सारा फिजिक्स का भी आपको कराया जा रहा है, फिजिक्स का बहुत सारा टॉपिक्स ख़त्म कर दिया गया है, उसको आप जाके देख लीजिए। और केमिस्ट्री का भी बहुत सारा टॉपिक्स ख़त्म कर दिया गया है, उसको भी आप जाके जरूर से जरूर देख लीजिए। तो चलिए आज पढ़ते हैं खनिज कॉपर। कॉपर खनिज के बारे में पढ़ते हैं। ये सब जो खनिज है, याद रखिएगा, जो आयरन है, ठीक है, जिंक है, आयोडीन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, ये सब जो है, याद रखिएगा, ये सब माइक्रो मिनरल्स है, यानी कि सूक्ष्म मात्रिक खनिज है। बॉडी में इस ये सबको कम मात्रा में जरूरत होती है, ठीक है। एक होता है मैक्रो मिनरल्स, अधिभार खनिज, उसका जो है अधिक मात्रा में जरूरत होता है बॉडी को, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सबको भी हम पढ़ेंगे, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है उसको भी देखेंगे। आज बारी है कॉपर की, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, कॉपर जो है, याद रखिएगा, इसका सोर्स क्या क्या है, क्या क्या हम खाएंगे तो हमको कॉपर यानी कि तांबा मिलेगा। तो याद रखिएगा, दूध, दूध जो है कॉपर पाया जाता है उसमें, ठीक है, तांबा पाया जाता है, और अनाज, ठीक है, फल, मांस, ठीक है, ये सब जो है, इस ये सब सोर्स है कॉपर का। याद रखिएगा, अब इसका यूज क्या है, कॉपर का यूज क्या है। तो कॉपर से पहले एक बात ये याद रखिएगा, तांबा से, कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखिएगा, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का यूज किया था। सबसे पहले किस धातु का यूज किया था, तो यही तांबा का ही यूज किया था मनुष्य ने सबसे पहले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार ये पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। याद रखिएगा दूसरा चीज, कि ये जो तांबा है, ये सेकंड बेस्ट कंडक्टर है, सेकंड बेस्ट कंडक्टर है, यानी कि कॉपर जो है ये दूसरा सबसे बेस्ट कंडक्टर है। याद रखिएगा, तब पहला कौन है, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है सिल्वर। सिल्वर जो है वो फर्स्ट यानी कि सबसे बेस्ट होता है कंडक्टर सिल्वर, और इसको किसे डिनोट करते हैं, Ag से डिनोट करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। कॉपर को किसे करते हैं, इसको करते हैं Cu से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये कॉपर का हमारे शरीर में क्या यूज होता है, तो याद रखिए, कॉपर क्या करता है हमारे शरीर में, आप जानते हैं क्या पाया जाता है, आयरन। हमारे शरीर में आयरन पाया जाता है, तो कॉपर क्या करता है, इस आयरन को, याद रखिएगा, कॉपर इस आयरन को रीयूज करता है, रीयूज करता है, मतलब आयरन हमारे शरीर में पाया जाता है, जब वो आयरन नष्ट हो जाता है, ठीक है, या उसका काम नहीं रहता है, तो कॉपर इसको फिर से काम में लाता है, आयरन को। किस तरह काम में लाता है, अभी आपको पता चलेगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो समझिए, आयरन अब हमारे शरीर में कहाँ पे पाया जाता है, आयरन हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो समझिए, हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है, और ब्लड में क्या होता है, हेमोग्लोबिन। ये तो आपको पता है कि ब्लड में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, तो समझिए, ब्लड में क्या है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन जो है, याद रखिएगा, वो दो वर्ड से मिलकर बना है, हेमो और ग्लोबिन। हेमो का मतलब होता है आयरन, हेमो का मतलब क्या हुआ, आयरन, ठीक है, हेमो का मतलब क्या हुआ, आयरन। और ग्लोबिन क्या होता है, ये एक ग्लोबुलिन जो है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ग्लोबुलिन, ये एक प्रोटीन होता है,
ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, कहाँ पाया जाता है, तो लीवर में। याद रखिए ग्लोबुलिन जो है जिससे ग्लोबिन वर्ड बना है, कहाँ पाया जाता है ये ग्लोबुलिन प्रोटीन, लीवर में। तो याद रखिए आयरन और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन मिलकर ही क्या बनाता है, ब्लड में हेमोग्लोबिन। तो आपको पता चला कि आयरन हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है, तो आयरन हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है, हेमोग्लोबिन में पाया जाता है, जो कि ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन, वहीं आयरन पाया जाता है। आयरन मतलब लोहा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लोहा, ठीक है। तो ये आयरन हमारे हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। अब समझिए कि याद रखिएगा इस हेमोग्लोबिन का जो, याद रखिएगा हेमोग्लोबिन को आरबीसी भी बोला जाता है। आरबीसी में ही एक्चुअल में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, आरबीसी में ही एक्चुअल में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। याद रखिएगा ये जो आरबीसी है यानी कि हेमोग्लोबिन, इसका जो जीने का दिन है वो होता है 120 दिन, यानी कि ये आरबीसी 120 दिनों तक ही क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है। 120 दिनों के बाद ये क्या होता है, ये मर जाता है, हेमोग्लोबिन इसका डेथ हो जाता है। अब समझिए इस हेमोग्लोबिन का डेट कहाँ होता है, यानी कि आरबीसी का डेट कहाँ होता है, ये कहाँ पे मरता है। तो याद रखिएगा इस हेमोग्लोबिन का जो डेट होता है वो होता है स्प्लीन में, यानी कि पलिहा में जो है इसका डेट होता है। कहाँ होता है याद रखिए, इसका डेट सारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, 120 दिन। बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयरन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये सारा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा जाता है हेमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है कि ग्लोबुलिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन हमारे शरीर में कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है, यकृत से निकलता है, ठीक है। सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और सारा ही आपको इंपॉर्टेंट बातें बताया जा रहा है स्पेशल रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। इसलिए वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिए। तो देखिए हम सब क्या बात कर रहे थे कि आरबीसी जो है 120 दिनों तक जिंदा रहता है, जीवन काल, याद रखिए ये क्या है, जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन के बाद ये क्या होता है, ये मृत्यु हो जाता है, इसका डेट हो जाता है। तो डेट कहाँ होता है, तो अभी हमने बताया कि स्प्लीन में होता है, स्प्लीन में इसका डेट होता है। स्प्लीन मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं पलिहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आरबीसी का डेट कहाँ होता है, तो पलिहा में होता है, स्प्लीन में होता है। अब देखिए इस आरबीसी यानी कि हेमोग्लोबिन का डेट पलिहा में होता है। डेट का मतलब क्या हुआ, मृत्यु का मतलब क्या हुआ इसमें, तो मृत्यु का मतलब हुआ कि यहाँ पे हेमो और ग्लोबिन अलग अलग हो जाता है, हेमो और ग्लोबिन अलग अलग हो जाता है। मतलब हेमो मीन्स आयरन, हेमो मीन्स मैंने बताया अभी क्या है, हेमो किससे बना है, आयरन से। अब आयरन को हेमो को क्यों नाम दिया है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा आयरन हेमेटाइट से प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा आयरन हेमेटाइट से प्राप्त होता है। हेमेटाइट क्या है, आयरन का ओर है, अयस्क है, उससे सबसे ज्यादा आयरन प्राप्त होता है हेमेटाइट से, हेमे टाइट से, ठीक है, इसलिए इसका नाम हेमो पड़ा है। अब देखिए यहाँ पे मतलब क्या हुआ, स्प्लीन में डेट का मतलब क्या हुआ, आयरन और ग्लोबुलिन क्या हुआ, अलग अलग हो गया। तो ये समझिए आयरन और ग्लोबुलिन जब अलग अलग हो गया, ठीक है, तो ये क्या होता है, इस आयरन को फिर से कॉपर जो है, जो हम पढ़ रहे हैं कॉपर, वो पहुंचा देता है बॉन मैरो में, बॉन मैरो में, बॉन मैरो जिसका हिंदी क्या होता है, अस्थि मज्जा। याद रखिएगा क्या होता है इसका हिंदी, अस्थि मज्जा। याद रखिएगा जब स्प्लीन में पलिहा में हेमोग्लोबिन का डेट हो जाता है, तो वहाँ डेट का मतलब क्या होता है, वहाँ आयरन और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है, वो एक दूसरे से टूट जाता है। हेमोग्लोबिन जो है एक दूसरे से टूट जाता है, आयरन अलग हो गया, ग्लोबुलिन अलग हो गया। तो उस आयरन को वहाँ पे क्या किया जाता है, कॉपर के द्वारा, कॉपर के द्वारा कहाँ पहुँचा दिया जाता है, बॉन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में पहुँचा दिया जाता है। और याद रखिएगा अस्थि मज्जा में ही आरबीसी का निर्माण होता है,
ये जो आरबीसी है यानी कि हेमोग्लोबिन, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। तो ये कॉपर क्या किया, आयरन को यहाँ पहुँचा दिया, तो क्या होगा यहाँ पे देख समझिए, फिर बॉन मेरो में क्या होगा, यहाँ देखिए बॉन मेरो में फिर से क्या होगा, बॉन मेरो में क्या होगा, आयरन आ गया, आयरन आ गया, फिर से वहाँ क्या होगा, ग्लोबुलिन प्रोटीन कहाँ से आएगा, लीवर में, फिर वहाँ से ग्लोबुलिन प्रोटीन कहाँ से आएगा, लीवर में, बॉन मेरो में आएगा, लीवर से बॉन मेरो में आएगा, और फिर ये आयरन और ग्लोबुलिन प्रोटीन मिलकर क्या बना देगा, हेमोग्लोबिन, क्या बना देगा, हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ देखिए आयरन का रीयूज हो गया, आयरन यहाँ पे डेट हुआ, लेकिन आयरन को किसने रीयूज किया, किसने उसका फिर से उपयोग कर लिया, तो कॉपर ने, कॉपर ने ही इस आयरन को कहाँ पहुँचा दिया, बॉन मैरो में, और फिर से ये आयरन का यूज किया गया, आयरन और ग्लोबुलिन मिला, फिर से हेमोग्लोबिन बन गया। तो याद रखिए कि कॉपर क्या करता है, कॉपर आयरन को रीयूज करता है, यहाँ पे ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस स्प्लीन को याद रखिएगा, स्प्लीन को जो है इसको यानी कि पलिहा को, इसको ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोला जाता है, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे बोला जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया रेलवे में, ठीक है, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे बोला जाता है, तो पलिहा को, ठीक है, पलिहा को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए स्प्लीन में क्या होता है, आरबीसी या हीमोग्लोबिन का क्या होता है, मृत्यु होता है, तो इसलिए याद रखिए, इसलिए स्प्लीन को और एक नाम दिया गया है, आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह, यहां पे आरबीसी का मृत्यु होता है, इसलिए स्प्लीन को क्या नाम दिया गया है, पलिहा को, आरबीसी का कब्रगाह, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, आरबीसी का कब्रगाह। अब यहाँ से समझिए, अब ब्लड से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्लड हमारे शरीर में कितना होता है, ब्लड हमारे शरीर में कितना होता है, तो याद रखिएगा ब्लड हमारे शरीर में होता है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड हमारे शरीर में होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में पिछले बार भी पूछा गया था कि हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है, ब्लड की मात्रा क्या होता है, तो 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में ब्लड होता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी क्यों बोला जाता है, स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर 5 से 6 लीटर ब्लड, इससे अगर शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, इससे जितना एक्स्ट्रा ब्लड होगा, इससे जितना एक्स्ट्रा ब्लड शरीर में बढ़ेगा, मात्रा इतना ही होना चाहिए 5 से 6 लीटर, लेकिन अगर इससे मात्रा बढ़ जाता है, 8 लीटर हो जाता है, 10 लीटर हो जाता है, तो वो एक्स्ट्रा ब्लड को स्टोर करके कौन रखता है, तो वही स्प्लीन रखता है, यानी कि पलिहा, पलिहा जो है एक्स्ट्रा ब्लड को स्टोर करके रखता है, इसलिए पलिहा को क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि मानव शरीर में रक्त का वेट परसेंट क्या होता है, तो याद रखिएगा रक्त का वेट परसेंट होता है 7 से 10%, यानी कि हमारा बॉडी जो है, बॉडी का वेट जो है रक्त से कितना है, 7 से 10% वेट हमारा रक्त से ही होता है, ठीक है, ब्लड से ही होता है, इसको आप याद रखिएगा। और याद रखिएगा कॉपर का जो है, कॉपर से याद रखिएगा कि कॉपर का 2 मिश्र धातु है, 2 मिश्र धातु है, यानी कि एलॉय है, ठीक है, इसका 2 एलॉय है, और बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से बनता है, ठीक है। पहला याद रखिएगा इसका फर्स्ट एलॉय है ब्रास, यानी कि पीतल, ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा इसका एक और एलॉय है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, इसको हिंदी में बोला जाता है कांसा। याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो पीतल है यानी कि ब्रास, ये किससे मिलकर बना है, पीतल
किससे मिलकर बना है? तो याद रखिएगा, इसमें एक कॉपर तो होगा ही, क्योंकि कॉपर का मिश्र धातु है, कॉपर तो होगा ही, साथ में और क्या होता है याद रखिएगा, जिंक होता है, जैडन होता है, जस्ता होता है। याद रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ब्रॉन्ज यानी कि कांसा किससे मिला होता है, तो कांसा में कॉपर तो होगा ही और क्या होता है, तो इस जेड को क्या कीजिए, आप पलट दीजिए, जेड को क्या कीजिए, पलट दीजिए, ऐसे है तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, तो ऐसे कर दीजिए, तो क्या बनता है एस, यानी कि एस एन, एस एन पाया जाता है, एस एन को क्या बोलते हैं, टीन, ठीक है, जेड एन को क्या बोलते हैं, जिंक, जिंक, ठीक है, और एस एन को टीन। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, इसी टाइप का दूसरा टॉपिक्स हम यहाँ पे लाते रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी खनिज का टॉपिक चल रहा है बायोलॉजी में, ठीक है, इसके पहले बहुत टॉपिक्स खत्म कर दिया गया है, न्यूट्रिएंट्स आपको पढ़ा दिया गया है, फोटोसिंथेसिस पढ़ा दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है, तो उसको आप जरूर से जरूर देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया गया है, प्रोटीन पढ़ाया गया है, ठीक है, विटामिन्स पढ़ाया गया है, जितने भी विटामिन्स हैं उसको आपको पढ़ा दिया गया है, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको आपको बता दिया गया है बहुत ही डिटेल में, उसको आप जाके जरूर से जरूर देख लीजिए। और अभी बायोलॉजी में आपका खनिज चल रहा है, खनिज में आज कॉपर का टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट जो हम लाएंगे वो लाएंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है वो भी एक क्या है, माइक्रो मिनरल्स है, इसका जरूरत बॉडी में बहुत ही कम होता है, और यहाँ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको हम डिटेल में आपको बताएंगे कोबाल्ट के बारे में, ठीक है, और फिजिक्स का भी टॉपिक्स चल रहा है आपको नियमित क्लासेस पे, तो इसको भी आप जरूर से जरूर देख लीजिए, और केमिस्ट्री का भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको बता दिया गया, उसको भी आप जरूर से जरूर देख लीजिए, और चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, इसके लिए आप क्या कीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबा के रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस जब अपलोड किया जाता है कोई भी वीडियो, तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको सबसे पहले प्राप्त होगा, ठीक है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू।